असल कुमार रहमतुल्लाह वबरकातुह। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत होंगे। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली काली मैना के ब्लॉग के बारे में बात होगी। तो कल मैंने एक चीज़ गलत बोली थी कि काली मैना ने अपने लिए ड्रेस लिया, लेकिन बाबू भैया के लिए नहीं लिया। बाबू भैया ने जो फियाज की शादी में जो ड्रेस था वही पहना था। एक्चुअली मुझे लगा था काली मैना ने लिया, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस पर कमेंट करके बोला, जो कि मेरे सपोर्टर है फातिमासी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं उसने भी कपड़े नहीं लिए हैं, उसने भी वही शादी के कपड़े जो है पहने हैं। तो आई एम सॉरी कि मुझसे ये चीज़ की गलती होगी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब बात करें अगर काली मैना के ब्लॉग का, तो मैंने एक बात कल बोला था कि एक कंटेंट का 10 वीडियो बनाएगी काली मैना, एक कंटेंट का 10 वीडियो बनाती है और सरा सरा के वीडियो डालती है। तो जाहिर सी बात है बर्थडे व्लॉग का, तो बर्थडे से पहले वाले तो बर्थडे के ऊपर तो पहले 2 व्लॉग बन गए, फिर बर्थडे का केक कटिंग का व्लॉग बना, फिर बर्थडे का गेम वगैरह का खाना खाना का व्लॉग बना, फिर जो है गिफ्ट ओपनिंग का व्लॉग बना, अब इसके ऊपर और एक व्लॉग बनेगा और उसके बेटे के चैनल पे भी शायद व्लॉग जाएगा। तो एक कंटेंट का जो है ना काली मैना 10-10 वीडियो बनाती है, एक बर्थडे का काली मैना ने 10-10 वीडियो बनाया। तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कंटेंट कैसे निकाला जाता है, ये कोई काली मैना से जो है ना पूछे। और ऊपर से अभी घर में किसी का व्लॉग नहीं आ रहा, सिर्फ उसका आ रहा है, तो व्यूज़ तो अच्छे हैं उसको, माशाल्लाह आएंगे, क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी रहती है कि बाकी जो भी है उसके फैमिली मेम्बर उनको देखने का। अब अगर बात करें कि हूर को कल जो है परसों वाले व्लॉग में आंटी जी 8:21 पर बहुत घूर घूर के देख रही थी गुस्से में, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है काली मैना को कल उस दिन के व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हूर को जो है आंटी जी बहुत गुस्से में देख रही थी, हूर को जो है आंटी जी बहुत गुस्से में देख रही थी। तो काली मैना ने अपने एक सब्सक्राइबर को जो है कमेंट करके रिप्लाई दिया कि हूर ने गले का हार नहीं पहना था, हालाँकि मंगलसूत्र उसके गले में पहना हुआ था, जो कि मुसलमान लोग उसको ऐसे हार ही पहनते हैं, मंगलसूत्र के हिसाब से तो पहनते नहीं हैं। तो उसी के लिए आंटी जी ने जो है नूर को हूर को गुस्से में देखा। तो अब आदत हो गई, मुझसे कभी कभी निकल जाता है। तो पहली बात तो ये है कि भाई गले में हार ना पहनने के लिए कोई सास पब्लिक के लिए अपनी बहू को इतने गुस्से में देख सकती है? अगर मान लो गले की हार के लिए, बात तो झूठ तो अच्छे खासे उसने बोली, लेकिन झूठ में दम नहीं था काली मैना, बट फिर भी जिन जो समझदार है वो तो समझ ही चुके हैं। बट अगर बात रही उस कमेंट की कि मान लो कि हूर ने गले का हार नहीं पहना, उसके लिए सास ने हूर को गुस्से में देखा, तो पहली बात तो ये है कि गला हूर का है, चॉइस हूर की है, हूर गले में हार पहने या ना पहने ये हूर का चॉइस है। इसके लिए सास को जो है हूर को बुरी नज़रों से एकदम खा जाने वाली नज़रों से पब्लिक के लिए देखने की कोई ज़रूरत थी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, गर्मी का मौसम है, कोई कोई होता है कि हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद करता है, कोई कोई होता है मेरी तरह बेकार इंसान हैवी ज्वेलरी उसको समझ नहीं आता है तो वो नहीं पहनता है, हालांकि उसके गले में मंगलसूत्र था, वो कोई कोई गला खाली नहीं था। तो सोचो जो सास सिर्फ गले में हार नहीं पहनने के लिए उसके कमेंट के अकॉर्डिंग में बात करी हो, उसकी कमेंट को उसने जो रिप्लाई दिया, वो परसों के आप ब्लॉग में जाएंगे तो वो कमेंट आपको मिल जाएगा। अगर उसके कमेंट के मुताबिक अगर मान लो हूर ने गले में कुछ नहीं डाला, उसके लिए सास अगर बहू को पब्लिकली इतने खतरनाक तरीके से देख सकती है, सोचो वो बहू जब घर में होगी और उससे कोई गलती होगी तब उसकी सास क्या करती होगी उसके साथ। या सोचो ना भाई, मुझे क्या पहनना है और मुझे क्या नहीं पहनना है ये कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या चीज़ करी करूँगी क्या चीज़ नहीं। वैसे ये तो जो उसने एक्सक्यूज़ दिया है ये तो पूरी तरीके से झूठ है, ठीक है, ये सबको पता चल गया, क्योंकि हूर जो है बहुत बुझी से लग रही थी, बहुत एकदम कमज़ोर से लग रही थी, मतलब पहले जो एक बात थी उसके अंदर जो व्लॉगिंग ख़त्म, मतलब जब उसकी जो उंगली भी टूटी थी ना, जब उसकी उंगली टूटी थी, अगर आप वो वाली व्लॉग देखोगे, भाई जी हाँ मैं किचन में रहती हूँ, धूप इधर से आ रही, ऊपर फैन नहीं है, तो मुझे गर्मी होती तो मैं पोछ लेती हूँ, ये मेरी मर्जी है, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है। तो हाँ, पहली बात कि जब उसकी इतनी बुझी हुई वो तब भी नहीं थी, जब उसकी पैरों की उंगली टूटी थी, वो लेटी हुई थी, वो दर्द में थी, तब भी उसकी शक्ल में ना एक नूर था, हूर की शक्ल में एक नूर था, तब भी उसकी शक्ल में ना एक खुशी थी, एक हंसी थी। लेकिन बर्थडे वाले ब्लॉग, दोनों ब्लॉगों में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कहीं से भी उसके अंदर वो वाली खुशी नहीं थी जो पहले थी, ठीक है। अब इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस, अब जाहिर सी बात है भाई, बेटी है, माँ की बुराई नहीं कर सकती या फिर घर की बुराई नहीं कर सकती,
आप असली बात नहीं बता सकते, लेकिन जो उसने बहाना दिया है, अगर मान लो वो बहाना भी सही है, मान लिया जाए कि उनका बहाना सही है, तो भाई मैं क्या पहन रही हूँ नहीं पहन लूँ, दैट्स कम्प्लीटली मेरा चॉइस है, मेरी सास का नहीं है। और मैंने गले में हार नहीं डाला इसके लिए, शादी के इतने सालों बाद भी, दो बच्चे होने के बाद भी मेरी सास अगर पब्लिकली मुझे ऐसे करके देख सकती है, तो सोचो ना वही सास जब मैं घर में कोई गलती करती होंगी तब मुझे कैसे वो रिएक्ट करती होंगी। तो इससे ही पता चलता है कि इन लोगों की जो है ना नेचर कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि हाँ ना पहनना या ना पहनना ये बहुत मामूली सी बात है भाई, गर्मी का मौसम है, इतने सारे लोग हैं, भीड़ भड़क्कम में। एक बात की बात मैं पूर की तरफ से मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, हालांकि मेरी एक्सप्लेनेशन की उसको ज़रूरत नहीं, बट मान लो कि हार उसने नहीं पहना, उसके लिए भी आंटी जी का दिमाग अगर सटका है तो सबको पता है, जो लोग व्लॉग देखते हैं, जितने सारे लोग आए हैं उनके बर्थडे पार्टी में, सबको पता है कि हूर के पास सोना है कि नहीं है, सबको पता है कि वो कैपेबल है, उसका पति इतना अर्न करता है कि वो एक हार खरीद सकता है, ठीक। अब अगर कोई इंसान रख के भी वो नहीं पहन रहा है तो दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी, गर्मी ज़्यादा हो रही होगी, या फिर चुभ रहा होगा हार, या फिर उसको नहीं पहनना होगा, हल्का हल्का उसको पहनना होगा। और इसके लिए सास अगर इससे घूर के देख रही है तो भाई समझ जाओ वो सास किस लेवल की सास होगी। और करें अगर सास की बात तो आंटी जी को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, मैं आंटी जी को गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि किसी की माँ को गलत बोलना अपनी माँ को गलत बोलना सेम बात है, लेकिन जो आंटी जी की जो हरकत है, ठीक है, जो बर्थडे वाले टाइम पे उनकी हरकत दिखी हमको, कि आंटी जी को बिल्कुल भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि आंटी जी उम्रा करके आई है। क्योंकि उम्रा करने के बाद ना अच्छे अच्छे लोग भी, जो जवान लोग होते हैं ना, वो भी अच्छे अच्छे लोग भी सुधरते हुए मैंने देखा है, ठीक है। और आंटी जी की जैसे बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से आंटी जी, चलो घर में हंसती है, चलो घर में चिल्लाते, लेकिन वहाँ पर पब्लिकली इतने लोगों के सामने जैसे आंटी जी रिएक्ट कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि आंटी जी जो है चीनी से भी छोटी है, आंटी जी चीनी से भी छोटी, आंटी जी अभी टीन एज में है कि भाई उमरा करके आए हो। वैसे तो इनका उमरा तो बस घूमना था और प्रमोशन था, इनका उमरा था ही नहीं, ये लोग उमरा के नियत से गए ही नहीं है। अगर ये उमरा के नियत से जाते तो उस दिन जो एक्सप्लेनेशन वाला बहाना वाला जो वीडियो डाला था कॉपी फॉर जायका में, वो सरासर झूठ था। और उमरा करके आने के बाद ऐसा झूठ पब्लिकली लाखों लोगों के सामने बोल नहीं सकते थे। और इनकी जो लाइफस्टाइल है उमरा करके आने के बाद, ये दरगाहों पे जाना, हाजी अली दरगाह ये लोग गए थे, जो लोग इनके अकाउंट फॉलो करते उनको पता होगा इंस्टाग्राम पे कि ये लोग हाजी अली दरगाह पे गए थे, उमरा करके आके भी वही सेम चीज़ें करना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम वहाबी हो, पता नहीं क्या, क्यों भाई मैं वहाबी या जमाती क्या है मुझे पता नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कलाम पाक के ऊपर फॉलो करो, दैट्स इट। एनीवेज, तो उमरा करके आने के बाद भी उनका जो लाइफस्टाइल जो है अभी तक मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये उमरा करके आए हैं। और आंटी जी का जो एक होता है ना उम्र का लिहाज करना, चलो ठीक है, कोई कोई इंसान जो होता है ओवर एक्साइटेड रहता है, कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है, कुछ ज़्यादा ही मतलब कि जो भी हो मतलब कि खुश रहता है बंदा, इंसान खुश रहता है, लेकिन आंटी जी ऐसा है कि उम्र का भी एक तकाजा होता है, उम्र का भी ना एक उम्र के हिसाब से भी इंसान को ना बिहेव करना चाहिए, होता ना बिहेवियर सेल्फ, कि भाई तुम बच्चे हो तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, तुम घर की बहू हो तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, आप बुज़ुर्ग आप भी, तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी बिहेव करना चाहिए कि आप जो है ना आप घर की गार्जियन हो, आप घर की गार्जियन हो, और इतने लोगों के सामने पब्लिक के लिए आपको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप घर की गार्जियन, ऐसा लग रहा था आप अपनी बेटी से भी छोटी हो। और एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि माँ बेटी जब मिली थी, चीनी और आंटी जी जब गले मिली, तो ऐसा देख के ऐसा लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि माँ बेटी कल को ही मिली है, कि काफ़ी दिनों बाद माँ बेटी की मुलाकात हुई, जैसे दोनों की आंखों में आंखें देख के आंखें भर, ऐसा लगा था इमोशनल मोमेंट चालू हो रहा था, फिर वो कट कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया शूटिंग, कि अब नहीं अभी ज़्यादा दिखाएंगे तो पब्लिक समझ जाएगी। तो माँ बेटी का गले मिलने से ये साफ तो पता चल रहा था कि माँ बेटी काफ़ी दिनों से नहीं मिली है, और माँ बेटी एक दूसरे को देख के बहुत एकदम होता नहीं इमोशनल होना, जैसे अभी आप मैं अपने बाप को देखूंगी तो मैं कैसे एकदम रो पड़ूंगी, भाई मेरा बाप है वो, इतने दिनों से मैं दूर हूँ अपने बाप से, तो मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी। तो माँ बेटी को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बेटी माँ के घर जाती है या बेटी माँ से मिलती है, ऐसा लग रहा था, जो समझदार है वो तो समझ ही जाएंगे, इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए, तो काफ़ी दिनों बाद मिली है। अब रीज़न क्या है ये तो वक्त आने पे पता चलेगा भाई, क्योंकि बोलते ना वक्त हर चीज़ का जवाब देता है। वैसे एक चीज़ की मैं शुक्रगुजार हूँ
कि मैंने जो काली मैना से पंगा लिया था अपने सब्सक्राइबर के दम पे कि मुझे सब्सक्राइबर की गाली नहीं खानी है तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बना के, वो मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था। और इस बार मुझे देखने को मिला कि मेरे सब्सक्राइबर किस हद तक मुझे सपोर्ट करते हैं, किस हद तक मुझे प्यार करते हैं। भले मैं जेल चली जाऊँ या मेरे चैनल बंद हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तकलीफ होगी ये ना, जो पुराना वाला चैनल है उसको मैंने बहुत मुश्किल से खड़ा किया, लेकिन इस बात की सुकून ये भी रहेगी कि मैंने जो उसके साथ पंगा लिया वो मेरा साकार हुआ कि मेरे सब्सक्राइबरों ने इस बार मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। हालांकि मेरे बारे में बहुत कुछ बहुत लोगों ने बोला, स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग मेरे सब्सक्राइबर ने जो मुझे प्यार दिया और सपोर्ट किया ना, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जजाकल्ला खैर। मुझे पता है अगर मेरा चैनल बंद भी हो जाता ना, ये जितने भी सब्सक्राइबर है ना वही मिलकर मेरा चैनल मोनिटाइज करवा देंगे, तो जजाकल्ला खैर अभी सभी लोगों का जितने लोगों ने आप लोगों ने प्यार दिया। अब बारी आते हैं गिफ्ट ओपनिंग की। तो गिफ्ट ओपनिंग के व्लॉग में भी ये सोचो ये कितने लालची लोग हैं, कितने मतलब बहुत अजीबोगरीब लोग हैं। मैडम जी को ये जानना है कि फनेस भाई आपने क्या गिफ्ट दिया, आप मुझे व्हाट्सअप करके बताना। भाई क्यों जानना है, हर कोई, बहुत सारे लोग होते हैं जो गिफ्ट में अपना नाम नहीं लिखते हैं, उनको बताना नहीं है। भाई गिफ्ट भी किसने कौन दिया वो भी उसको जानना है, सोचो। और फिर बोलते अब्बा आके 10 मिनट में चले जाते हैं, लेकिन मैंने मोबाइल बंद कर दिया था तो अब्बा थोड़ी देर बैठे थे, ऐसा था वैसा था फला था ढिमका था। भाई एक चीज़ आप मुझे बताना, ये लॉजिक की बात मुझे समझ नहीं आती। जब फियाज की शादी हुई, अब्बा एकदम चढ़ चढ़ के कैमरा पे ऐसे करके फियाज को लेके जा रहे थे कैमरा के आगे, यूँ कैमरा मैन जो है शूट कर रहा था, अब्बा फियाज को लेके ऐसे 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 करके संजू बाबा की तरह जा रहे थे कैमरा में, एकदम मुँह ऐसे करके। तब अब्बा को कोई दिक्कत नहीं हुआ कैमरा के सामने आने से, लेकिन नवासे के बर्थडे के टाइम और या फिर घर पर रहते टाइम अब्बा को क्यों इतने कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, मुझे ये चीज़ आप लोग मुझे प्लीज़ बताना। ऐसी कैसी मजबूरी है कि नवासे के बर्थडे पे अब्बा आए लेकिन एक झलक दिखाई नहीं दिया, और अब्बा कैमरा ऑन करने से पहले ही दुम दबा के भाग गए, और फियाज की शादी में अब्बा ऐसे करके कैमरा के सामने करके कैमरा के सामने जा रहे थे। भाई एक टाइम तुम बेटे की शादी में तुम कैमरा फेस कर ले तो चलो ठीक है, घर में कैमरा फेस नहीं करते हो, लेकिन नवासे के बर्थडे में कैमरा फेस नहीं कर पाते हो, ये कैसा मतलब कि ये कैसा नेचर है वो मुझे समझ नहीं है। कि मेरा बाप मेरे भाई की शादी में कैमरा के सामने मेरे बाप को आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मेरे बेटे के बर्थडे के टाइम में मेरे बाप को आने में कैमरा में दिक्कत है। मैं तो अब मेरे बाप की छाती पर चढ़ के बैठ जाऊँगा, तुम विकी की शादी में तुमने कैमरा लेके जो है तुम कैमरा के सामने तुम घूम रहे थे, मेरे बेटे के बर्थडे के टाइम पे तुम कैमरा के सामने आने में तुमको क्या दिक्कत है। तुमको पता है कितने लोग तुम्हारे वजह से मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं, एक झलक तो तुम्हारा तुम दिखाई सकते हो ना। अपनी बेटी को तुम जलील करोगे लोगों के सामने, लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोलूँ, एक झलक तो तुम्हारी दिखाई सकती हूँ ना कि यूट्यूब ने बैन कर दिया तुम्हारा झलक दिखाना। ये सब बोल के तो मैं अपने बाप को कैमरा में लेके आ जाऊँगी, भाई इतना तो मुझे पता है। ये सब बोल के तो कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए एक झलक कैमरा में आ जाएगा, या फिर पीछे से भी दिखा दो, क्योंकि तुम लोग को परेशानी होते है ना सब्सक्राइबर, तुम लोग को सवाल पूछते सवाल पे सवाल पूछते तुम लोग परेशान हो जाते हो, तो एक झलक दिखा के सबका मुंह बंद कर दो, हमारा भी कर दो और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनका भी कर दो, ख़त्म कहानी। इनके शादी में ना वो गुलगुला इमरान दिखाई दिया, ना पार्लर वाली सना दिखाई दी, ना नेहा दिखाई दी, ना अब्बा दिखाई दे, और जो भी पुराने उनके जो भी थे वो कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि इनका जो रिश्ता है ना लोगों के साथ, वक्त 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 पर इनका रिश्ता चेंज होता है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है ना ये लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं। और भाई बर्थडे बच्चों का था, मतलब बच्चे का था, तो मस्ती मजाक गेम वगैरह भी बच्चों का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो बर्थडे में बड़े लोग ऐसे उछल रहे थे, कूद रहे थे, ऐसे गेम खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बर्थडे आंटी जी का है। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि आंटी जी इतनी एक्साइटेड हो रही थी, और इनके बच्चे बच्चों के दोस्त सारे ऐसे गेम खेल रहे थे कि बर्थडे आंटी जी का हो बच्चे का नहीं हो, क्योंकि बच्चों के बर्थडे में अमूमन तौर पर बच्चे गेम्स खेलते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बड़े एंजॉय कर रहे थे। और आलिमा बीबी की तो क्या कहने, आलिमा बीबी तो बस वीडियो के लिए जो है ना बस पर्दा है पर्दा पर्दा नशीली ऐसे करके खाना खा जैसे, ओहो दिखाई नहीं दिया, एक झलक तो तुम्हारा मेरे पास स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे ही आ गया। मैडम बीबी तुम क्या मुंह छुपा रहे, तुम्हारे तो स्क्रीनशॉट में ही आ गया, वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगाऊंगी नाम हाइड करके, तुम्हारा जो शक्ल है ना खाते टाइम तुमने दर्शन दे दिए थे तुम्हारे। और भाई मुझे समझ नहीं आता ये कैसा पर्दा है जो सिर्फ वीडियो के लिए पर्दा होता है, और जब खा रही थी सब पूरे इस साइड से पिक गया, मैंने मर्दा बैठे थे वो देख रहे तुम्हारी शक्ल, बर्थडे में जितने लोग आए वो देख रहे तुम्हारी शक्ल,
फिर जो उमरा करने गए गैर महरम के साथ एक ही रूम शेयर कर रहे थे तब तुमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ पे जब नीचे खाना खाने गए तब भी तुम्हारी शक्ल तुम हर किसी को दिखा रहे थे तब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस वीडियो में आते टाइम जो है बीबी शक्ल जो है पर्दा है पर्दा, बीबी पर्दा कर ली थी भाई, ऐसी कैसे बड़ा ही खूबसूरत है बीवी की, बीवी का शक्ल जो है वो सोशल मीडिया में आना नहीं चाहती, वैसे तुम्हारी तो मुँह दिखाई अल्लाह ने ही कर दी माशाल्लाह से, क्या ही बोलना। तो लेकिन बीबी का मतलब इनका जो नाटक है ना एक्टिंग पूरी फैमिली ने ज़बरदस्त की है, और लास्ट में जो हंसी मजाक वाला जो विदाई वाला एक्टिंग की ना उसमें कहीं ना कहीं भाई और माँ ने जो है ना अपने दिल की बात वो रख दी कि भाई बाबू भैया तुम अपना ख्याल रखना, कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली अपने दिल की बात बता दी जो डायरेक्टली वो लोग नहीं बता पा रहे थे पब्लिक को। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो ज़रूर शेयर कीजिए। अबे शर्म करो, जितने भी मेरे सपोर्टर बहनें हैं आप लोगों को बोल रही हूँ आप लोग शर्म करो थोड़ा, तुम्हारी बहन यहाँ गर्मी में बैठ के ठीक है यहाँ धूप में बैठ के पचर पचर कर रही है, यहाँ पर चिल्ड वाटर के बॉटल ना पी के इसमें मोबाइल वो रख के वीडियो बना रहे, तुम लोग को शर्म है कि नहीं? लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता थोड़ा तो शर्म कर लो, और जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा और सब्सक्राइब का बटन दबा। चलिए ठीक है अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, दुआओं में याद रख।